गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टूडेज सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड टूडेज टॉपिक इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF. ओके, वॉट इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर? द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू आर मोर नंबर इज लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड द नंबर्स विदाउट द लिविंग एनी रिमाइंडर्स. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल्स लिए हैं. फाइंड द HCF ऑफ 60 एंड 75. इसका अपने को क्या निकालना है? HCF. HCF मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF मीन्स क्या होता है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. अब 60 एंड 75 का अपन फैक्टर्स निकालेंगे. 60. अब 60 देखो, ऐसा नंबर सर्च करना है कि अपने को 2 पर जाना चाहिए या 3 पर जाना चाहिए, ऐसा नंबर्स. तो यहाँ पे आएगा 32 जा 60. अब 30 के भी फैक्टर्स निकलते हैं. 30 कौन से टेबल में आ सकता है? 15 2 जा 30 32 जा 60. अब 15 के भी फैक्टर्स निकलते हैं. 5 3 जा 15 15 2 जा 30 32 जा 60. जब तक यहाँ तक नहीं आता है तब तक अपने को सॉल्व करना है. देखो 32 जा 60 एंड 15 2 जा 30 32 जा 60. नेक्स्ट इज 15 के भी फैक्टर्स निकले. 5 3 जा 15 15 2 जा 30 32 जा 60. अब नेक्स्ट इज 75. 75 में देखो अब क्या है. 75 कौन से टेबल में आ सकता है? 25 के टेबल में आ सकता है. 25 3 जा 75. ओके, अब 25 कौन से टेबल में आता है? 5 5 5 जा 25 25 3 जा 75. अब 5 के कोई फैक्टर्स नहीं निकलते तो यहीं पे स्टॉप. 5 का कोई फैक्टर निकलता है? कोई टेबल्स में आता है क्या 5? नो. तो फिर यहीं पे स्टॉप. तो अब इसमें कॉमन क्या है? देखो 60 में क्या निकला है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. और 75 में क्या निकला है अपना नंबर्स? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. इसमें कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ये 5 5 कॉमन दिख रहा है आपको और ये 3 3 कॉमन दिख रहा है. दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? HCF. अब HCF निकालना है अपने को. HCF ऑफ 60 एंड 75 इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखो इसमें 3 मल्टीप्लाई 5 जो कॉमन है वो लेना है. तो क्या करेंगे? 5 3 जा 15. तो HCF क्या हो गया अपना? 15. इस तरह से आपको ये फाइंड HCF ऑफ 60 एंड 75 सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द HCF ऑफ 40 एंड 48. तो यहाँ पर डिवाइडेशन में सॉल्व करेंगे इसको. ये डिवाइडेशन सिंबल. आपको मैंने फैक्टर ट्री बताई, फैक्टर डिवाइडेशंस बताई. आप अभी इसमें सॉल्व करेंगे अपन. देखो यहाँ पे क्या नंबर्स दिया है? 40 और कौन सा नंबर? 48. ओके, यहाँ दिया हुआ है 40 और 48. 40 कौन से टेबल में आ सकता है? दोनों भी नंबर, ऐसा नंबर सर्च करना है कि ये दोनों नंबर वो टेबल में आना चाहिए. देखो 22 जा 40 आता है और नेक्स्ट इज 24 2 जा 48. मिल गया अपने को 2 बार जाने वाला नंबर्स. कौन सा? 20 के टेबल में आता है. 22 जा 40 एंड 24 2 जा 48. अब इसके भी निकलते, देखो 20 और 24 के भी फैक्टर्स निकलते. तो ऐसा नंबर सर्च करना है कि 2 बार जाना चाहिए, ये दोनों नंबर्स एक ही बार जाना चाहिए, मीन्स 2 बार जाना चाहिए या 3 बार जाना चाहिए. तो ऐसा नंबर 10 2 जा 20 और 12 2 जा 24 हो गया. अभी 10 और 12 के भी फैक्टर्स निकलते हैं. देखो ये आएगा 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12 हो गया. अपने फैक्टर्स निकल गए. अब क्या करना है सॉल्व? HCF निकालना है अपने को. HCF इज इक्वल टू क्या निकला है नंबर?
2 multiply 2 multiply 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स एस सी एफ क्या है अपना 8. तो ये नंबर्स लेना है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दिस इज द एस सी एफ. डिवाइडेशंस में सॉल्व करना रहा तो इस तरह से सॉल्व करना है, और ऐसा फैक्टर्स अपने को निकालना रहा तो इस तरह से आपको एस सी एफ सॉल्व करना है.